हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने वेट कम करने के लिए ड्रिंक्स पिए हैं, पिल्स खाई हैं, एक्सरसाइज की है, पानी बहुत पिया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसे आप सुनकर आई एम श्योर शॉक हो जाएंगे। आपको मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिन्हें दबाने से आपका वेट कम हो सकता है, आपकी बॉडी के ऐसे पॉइंट्स जिन्हें आप दबाएंगे और आपका वेट कम होगा। आजकल के समय में मोटापा बढ़ने का एक आम समस्या हो गई है, चाहे लोग घर पर हों या बाहर या ऑफिस में हो, मोटापे की शिकायत हर किसी को है। हालांकि मोटापा कम करने के लिए आज के दौर में बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, कम करने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोटापे की प्रॉब्लम हर किसी को है, बच्चों को, बूढ़ों को, एवरीवन को। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि कौन से पॉइंट हैं जिन्हें दबाने पर हमारा वेट कम हो सकता है। दोस्तों, हथेली को दबाने से, यह सुनकर आपको अजीब जरूर लगेगा लेकिन यह सच है, हथेली दबाने से मोटापा घटता है। इसके लिए हाथों में अंगूठे के पास उभरो हिस्से पर उंगली से 2 मिनट तक दबाएं। इसी तरह पैर के अंगूठे के पास भी दबाएं। ऐसा करने से धीरे धीरे वजन घटता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरकीब के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप ये इजीली कर सकते हैं। पैर दबाने से कम होता है मोटापा, पैर दबाने से मोटापा काफी हद तक कम होता है। इस उपाय को अपनाने के लिए सबसे पहले एडी के पीछे की हड्डी जहां खत्म होती है वहां उंगली और अंगूठे की मदद से 1 मिनट तक दबाएं। लगभग 15 दिन तक ऐसा करने से रिजल्ट खुद आपके सामने होगा। इस उपाय को करने से पाचन क्रिया भी तंदुरुस्त होती है, नाभि से भी घटता है वजन। कई महिलाओं को साड़ी या काप या टॉप पहने का वक्त नाभि किसी आफत से कम नहीं लगती। जब वो साड़ी डालती हैं तो उनका पेट, उनका जो नाभि है वो दिखने लगता है, या मोटापे की वजह से, टमी फैट की वजह से बड़ा अजीब लगता है। तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नाभि वजन घटाने में भी हेल्प करेगी अगर वो वहाँ पे उस टाइम गंदी लगती है। तो नाभि के निचले बिंदु पर दोनों हाथों की दो उंगलियों से दबाएं। इसके बाद पिंगड़ी की हड्डी को एक उंगली से दबाएं। नियमित रूप से ऐसा करने से मोटापा कम होने में काफी मदद मिलेगी। कान दूर करे मोटापा। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि मोटापा और कान का आपस में कोई संबंध नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कान से भी मोटापा कम कर सकते हैं आप। कान के मसल स्लैप हिस्से को उंगली से 3 मिनट तक दबाने से फायदा होता है। नियमित रूप से इसे दबाने से ज्यादा भूख नहीं लगती, जिससे मोटापा नहीं बढ़ता। कोहनी है रामबाण। दोस्तों, इस तकनीकी भरी दुनिया में सब कुछ संभव है। आज के वक्त में मोटापे से परेशान लोग कोहनी से भी वजन घटा सकते हैं। तो चलिए ये कंफर्म करते हैं, ये कैसे हो सकता है। कोहनी के अगले ज्वाइंट पर अंगूठे से दबाने से फायदा होता है। रोजाना 5 मिनट तक इस पॉइंट को दबाने से वजन कम बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को दबाएंगे और इन्हें अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका मोटापा जो है वो कम होगा, आपका वेट कम होगा। दोस्तों, वैसे पानी भी ज़रूर पिए, जो मैंने बाकी अपनी वीडियोस में ड्रिंक्स की बात की है, ये ड्रिंक्स यूज़ करें, उनसे भी मोटापा कम होगा। अगर आपके पास सम टाइम वक्त नहीं होता या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं कहीं पे, तो ऐसे पॉइंट्स आप दबाकर अपना मोटापा कम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली फर्क नजर आएगा आपको। 15 डेज ऐसा करके जरूर देखें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको फर्क नजर आता है। तो दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी, आपके साथ आपको देती रहूंगी। उसके लिए वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, अगर नहीं क्लिक किया है तो जरूर करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलेंगे एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय, स्टे हेल्दी।